वी हैड डन आई थिंक लास्ट क्लास में, देखो लास्ट में हमने वो 18 डिग्री वाला सेट किया था। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या किया था हमने सर? वो तो कर रखा है ना, वो सेट टू जो वाला टी रेशियो स्पेशल एंगल्स ही है ना वो। हाँ, उसका सेट वर्क कर लिया था ना, तीनों कर लिए थे, तीनों सेट कर लिए थे। आपने टेबल भी बनवाई थी, मतलब 15 डिग्री 75 डिग्री वाला भी कर लिया था। हाँ 75 नहीं किया था, 15 हाँ, वैसे वैसे वही बात, 15 डिग्री आ गया तो 75 भी आ जाएगा। नहीं, एक हमने किया होगा 18, 36, 54, 72, ये हाँ किया था। हाँ इसके बाद एक किया होगा 15, 75। 75 तो नहीं दिख रहा, 15 दिख रहा है, और ये नहीं 22 75 भी एंड आ था, 75 भी है, 75 22 एंड अ हाफ, 67 एंड अ हाफ हाँ है। हाँ है, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, ओके। लेट्स नाउ डू योर कंडीशनल आइडेंटिटीज। देखो, कंडीशनल आइडेंटिटीज में जो कंडीशन होती है वो ब्रॉडली यही होती है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। नाउ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो आपसे अगर पूछा कि व्हाट इज साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसका वैल्यू पूछा, तो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग। कैसे करेंगे वो देखिए, द फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्ड। You will write sine 2a plus sine 2b plus sine 2 into pi minus a plus b. यानी आपने c को replace कर दिया है pi minus a plus b. अब इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो this is 2 pi minus 2 into a plus b, which can be written as minus sine 2 into a plus b. ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे sine c plus sine d. That is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. By 2 इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि ऊपर भी 2 है, और इसको क्योंकि हम ऐसे रिप्लेस करेंगे तो हम प्लस की जगह माइनस लिख के और यहां पर इसे 2 sin a plus b cos a plus b लिख देंगे by the formula that sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. We can use this. Now take 2 sin a plus b common and you're left with cos a minus b minus cos a plus b. 2 sin a plus b can be written as sin of pi minus c. Now this is also a standard step, the last step where you replace a plus b by pi minus c, and this is a direct formula. Cos a minus b minus cos a plus b is 2 sin a sin b. And sine pi minus c is sine c. So this finally becomes 4 sine a sine b sine c. So आपका इसका value ये है actually. Note करिए इसे. This is your first conditional trigonometric identity. Sir, आपने second step में 2 sine a plus b cos a minus b को कैसे लिखा है? कौन सा? Second step, 2 sin a plus b cos a minus b. इसमें बेटा फॉर्मूला लगा दिया, sin c plus sin d is 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. अच्छा ठीक है, ये c plus d upon 2 है, ये c minus d upon 2 है, तो इसके नीचे वाले 2 आ गया फिर।
क्या हो बेटा? इसके नीचे वाले टू कहाँ गया फिर? हाँ ये टू और टू था ना, तो यहां पर एक टू कॉमन आता, वो टू और ये टू कैंसिल हो गए। हाफ कॉमन आ जाता है ना बाहर, तो हाफ कॉमन आके वो टू तो तब भी नहीं उधर, ये टू देखो साइन वाला। इधर देखो, अगर इनको ऐड करता, ये सी है ये डी है, तो यहां पर टू आता और नीचे भी टू हाँ आता, तो टू और टू कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। सर हो गया? हो गया। यस सर। अच्छा यस ओके, नेक्स्ट हम यही सेम पहले हम कॉस के लिए कर लेते हैं। कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी, अब ये फॉर्मूला बनाना है हमको। यहां पर भी हम सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, कॉस टू ए और कॉस टू बी को रहने दो और कॉस टू सी को लिख दो। कॉस मैं यहां पर साइड में पहले लिख के बता रहा हूं, कॉस टू पाई माइनस टू इंटू ए प्लस बी, यानी हमने सी की जगह पर पाई माइनस ए प्लस बी रखा है। कॉस ऑफ टू पाई माइनस अल्फा इज कॉस टू अल्फा, तो कॉस ऑफ टू इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहां पर देखो कॉस सी प्लस कॉस डी बनाओगे तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस टू थीटा को
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी माइनस वन। अब इसमें टू कॉस ए प्लस बी कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस यहां बचेगा कॉस ए प्लस बी माइनस वन। तो ये टू कॉस ए प्लस बी की जगह लिख दो पाई माइनस सी, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज टू कॉस ए कॉस बी। ये सब ऑलरेडी आपके पास नोट्स में है, आप याद कर रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यू शुड लर्न दिस। एंड कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज माइनस कॉस सी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। नोट करो सर, जो आपने स्टार्टिंग में कॉस टू पाई माइनस टू, ये टू कैसे आया? कौन सा स्टार्टिंग में? ये वाला, हाँ ये है ना टू, सी की जगह रखा है ना पाई माइनस ए प्लस बी, इनटू टू करेंगे तो यही तो बनेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अब इसको कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनाएंगे दैट शुड बी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का, यहां पर सी को आपको पाई माइनस ए प्लस बी करके स्टार्ट करना है। एक बार ट्राई करिए, पहले इसे कंप्लीट करिए फिर उससे ट्राई करिए। इसको कंप्लीट करके उसे ट्राई करो।
डन नो सर टू मिनट्स इस साइन पाई माइनस ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं और साइन ए प्लस बी को हम साइन टू थीटा के फॉर्मूले से टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू लिख सकते हैं। हियर आई एम राइटिंग टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू ठीक है। अप्लाइंग टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा इज दिस इज टू थीटा तो दिस इज विल बी थीटा आधा हाफ एंगल। नाउ टेक टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉमन सो दिस बिकम्स कॉस ए बाय टू माइनस बी बाय टू प्लस कॉस ए बाय टू प्लस बी बाय टू ठीक है। a प्लस बी की जगह यहाँ पाई माइनस सी लिख दो तो दिस बिकम्स पाई माइनस सी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज टू कॉस ए कॉस बी तो ये ऐसे आ जाएगा एंड साइन पाई बाय टू माइनस सी बाय टू विल बी कॉस सी बाय टू इंटू टू कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू दिस बिकम्स फोर कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू। नोट करो एंड कॉस का इसका नोट करके सेम तरीके से साइन का ट्राई करो आई मीन साइन का नोट करके कॉस का ट्राई करो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी निकालना है। जस्ट ट्राई डूइंग इट वंस। सर आपने साइन पाई माइनस ए प्लस बी को टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू कैसे लिखा? हाँ बेटा बोलो। सर मैं बोल रहा था कि अपने साइन पाई माइनस ए प्लस बी को टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू कैसे लिखा? भाई तो बोला ना साइन पाई माइनस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी होगा तो इसको अगर मैं इसको अगर मैं साइन टू थीटा मानता हूँ तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैं उससे कंफ्यूज हो रहा था अब वो समझ आ गया। मतलब आपने साइन ए प्लस बी को लिखा था ऐसे तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था। नहीं
सर इसका वन प्लस 4 sin a / 2 sin b / 2 sin c / 2 होगा। इसका पास वाले का अभी हाँ देखते हैं। देखो cos c को हम लिखेंगे cos pi माइनस ए प्लस बी। मैं इसके सारे स्टेप्स अभी यहीं पे बता देता हूँ। दैट विल बी माइनस cos a प्लस बी, फिर इसको cos 2 थीटा मान के 2 cos स्क्वायर a प्लस बी बाय 2 माइनस 1 करके लिखेंगे अपन, और इन दोनों में लगा देंगे cos c प्लस cos b। तो दिस विल बिकम 2 cos a प्लस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2 माइनस 2 cos स्क्वायर a प्लस बी बाय 2 और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सर इसमें cos pi माइनस ए प्लस बी के बाद माइनस cos ए प्लस बी कैसे आया? बेटा cos ऑफ pi माइनस अल्फा इज माइनस cos अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके सर ठीक है। हाँ अब 2 cos ए प्लस बी सब कुछ याद रखना है बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 cos ए प्लस बी बाय 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos ए बाय 2 माइनस बी बाय 2 माइनस कॉस ए बाय टू प्लस बी बाय टू और प्लस वन। अब आपका ये जो फॉर्मूला है ये वो वाला बन गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी टू साइन ए साइन बी। हाँ और यहाँ पर जो हमारा ये है इसको हम पाई माइनस सी लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन सी बाय टू, ये बन जाएगा 2 साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू और प्लस वन। तो दिस विल बी 1 + 4 sin b / 2 sin b / 2 sin c / 2। यही आया था? हाँ यही आया था। ये समझ आ रहा है सबको? यस सर। आर्यन जय निक्षय। यस सर समझ आ रहा है। हाँ सर मेरे तो निकल गया था। अच्छा यस सर। अनुश्री कहाँ गई? ओके ये तो हो गए साइन और कॉस के, अब आ जाते हैं टैन के। तो टैन 2a प्लस टैन 2b प्लस टैन 2c मान लो हमको ऐसे बताना है। तो टैन का ना जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। टैन में आप वैसे नहीं सॉल्व करोगे जैसे साइन और कॉस में करते हैं, टैन में वैसे करोगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था वो क्वेश्चन जो आई थिंक जैन ही पूछा था ना सर। मैंने आर्यन आर्यन सॉरी a प्लस बी प्लस सी पाए है तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाए माइनस सी और हमको 2 चाहिए तो सब जगह 2 लगा दो तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 पाए माइनस 2c। अब इसमें tan प्लेस कर दो तो tan ऑफ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाए माइनस 2c व्हिच कैन बी रिटन एज माइनस tan 2c एंड tan 2a प्लस 2b कैन बी रिटन एज tan 2a प्लस tan 2b upon 1 minus tan 2a tan 2b is equal to minus tan 2c। cross multiply कर दीजिए, साइड चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा this will become tan 2a plus tan 2b is equal to minus tan 2c plus tan 2a tan 2b tan 2c। तो ये minus इधर shift कर दो तो tan 2a plus tan 2b plus tan 2c is equal to tan 2a tan 2b tan 2c। तो this is the result। तेरे sin और cos से ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा फ़र्क़ नहीं लग रहा। और
यहाँ पे ये नोट करने के बाद आप tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू निकालो इन अ सिमिलर मैनर. सर डन, टैन ए टैन बी टैन सी आ रहे हैं. हाँ जी आ गया सर, गॉट इट. हाँ जब yes, tan a प्लस tan b प्लस tan c बनाओगे तो यहां पर भी क्या होगा, a प्लस b प्लस c को आप पाए लोगे, a प्लस b हो जाएगा पाए माइनस c, दोनों तरफ tan लगा देंगे तो tan ऑफ a प्लस b इज tan ऑफ पाए माइनस c, जिसे हम माइनस tan c लिख सकते और tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b is equal to minus tan c उधर चला जाएगा तो tan a plus tan b is equal to minus tan c plus tan a tan b tan c minus इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan a plus tan b plus tan c can also be written as tan a into tan b into tan c. समझ आया? Yes sir. So these are your conditional identities and everything. अच्छा मैंने आप लोगों को just checking but मुझे याद है शायद मैं करा चुका हूँ a sin theta plus minus b cos theta form का range निकालना सिखा चुका हूँ ना? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस ओके
अब हमारा मोस्टली कुछ नहीं रहता है, ठीक है. सो नाउ यू कैन स्टार्ट कॉम्पिटिटिव असाइनमेंट. आप लोग को जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट शेयर एन असाइनमेंट विद यू. एक बार जो फॉर्मूले और जो सारी चीजें आप कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार उन्हें रिवाइज थोड़ा 5 मिनट देखिए. मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं. सर मुझे एक रेंज वाले क्वेश्चन में डाउट था. इसमें बेटा एक रेंज का क्वेश्चन. हाँ बोलो क्वेश्चन क्या है. वाई इज इक्वल टू 2x² x + 3 / x² x + 5. इसकी रेंज निकाल ली. यस सर. अच्छा मिनिमम वैल्यू सेक्स पर एक्स की 1 होगी. देखो सेक्स पर एक्स की जो रेंज होगी वो होगी 1 to ∞. जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2 + 3 = 5/6. और जब ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 2. ये आंसर है बेटा इसका. यस सर यही है. यही है. हाँ कैसे. ठीक है मैं अब इसको सॉल्व करके देख. हाँ फिलहाल तो मैंने ऐसे किया है सिंपल. 1 to ∞ है ना इसकी रेंज सेक्स पर एक्स की. हाँ हाँ देखो sec x जो होता है वो reciprocal of cos होता है तो उसकी रेंज होती है -∞ to -1 union 1 to ∞. ठीक है. अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सारे नेगेटिव वाले खत्म हो जाएंगे और यही स्क्वायर हो के यही डबल हो जाएंगे. ठीक है ना. यस सर. तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो 2 + 3 = 5 बनता है और यहाँ पर 1 + 5 = 6 बनता है. और जब इंफिनिटी की तरफ जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं. Like suppose we are saying 2x² + 3 / x² + 5 होता और x tending to infinity होता. तो अगर x tending to infinity होता तो हम ना x square को common ले लेते ऊपर से और नीचे से तो ये ऐसा बन जाता. Now ये x square तो cancel हो जाता. और अगर सोचो x tending to infinity है तो 1/x tending to क्या होगा 0 होगा. Yes sir. तो ये दोनों 0 हो जाएंगे.
ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आंसर टू आ जाएगा। बट क्योंकि ये एग्जैक्टली इनफाइनाइट कभी हो नहीं सकता, तो ये एग्जैक्टली टू नहीं हो सकता, इसलिए टू पे राउंड इंटरवल राउंड ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है सर, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ एक सेकंड मुझे जरा दो में। एक क्वेश्चन ट्राई करो तब तक। साइन पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14 इंटू 7 पाई बाय 14 इंटू 9 पाई बाय 14 इंटू 11 पाई बाय 14 इंटू 13 पाई बाय 14, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। एक बार ट्राई करिए जरा, जो फॉर्मूलेज है ना ऑल आपको दिए हुए सब उसी पर बेस्ड है। सबसे पहला काम है यू हैव टू ट्राई एंड कन्वर्ट अ फ्यू एंगल्स इनटू अदर्स सो दैट ये Have you note the, did you note the question? No, sir. साइन पाई बाय 14 से स्टार्ट करो, फिर 3 पाई बाय 14, फिर 5 पाई बाय 14, फिर 7 पाई बाय 14, फिर 9 पाई बाय 14, फिर 11 पाई बाय 14, फिर 13 पाई बाय 14। Try to convert the angles in the first quadrant to the angle in the second quadrant. That is the first thing that you should be trying to do so that ये expression छोटा हो जाए, भी expression बहुत बड़ा लग रहा है देखने में। Thank you.
तो ऐसा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करके वो करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ देखना पड़ता है कि व्हाट पेयर ऑफ एंगल्स अल्फा एंड बीटा ऐड टू पाई इफ देयर एनी। देखो पाई बाय 14 एंड 13 पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14 एंड 11 पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14 एंड 9 पाई बाय 14 एंड दिस इज एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया है तो बेकार है। अब अगर हम साइन 13 पाई बाय 14 को चाहें तो साइन 13 पाई बाय 14 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 14 दैट इज साइन पाई बाय 14। सो दैट मींस दिस एंड दिस कंबाइंड टू फॉर्म साइन स्क्वायर पाई बाय 14, दूसरा वाला विल फॉर्म साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14, तीसरा वाला विल फॉर्म साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 14। ठीक है, Now let's take the square common, क्योंकि सब में square लगा है और इन तीनों के साथ में, ठीक है। Now since इसके बाद हमारे पास sine में और कोई काम करने को नहीं है, कोई formula नहीं है, तो what we do is we convert them into cos। तो जब हम cos में convert करेंगे, तो pi by 14 sine by 14 can be written as cos 90 minus pi by 14 which is, अगर हम इसको देखें तो 7 pi by 14, 6 pi by 14, that is cos 3 pi by 7. So this is cos 3 pi by 7. ऐसे ये वाला हो जाएगा 2 pi by 7 और आखिरी वाला हो जाएगा pi by 7 का whole square. Now I can write this as cos pi by 7, cos 2 pi by 7 और 3 pi by 7 को मैं cos 4 pi by 7 लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ वो बता देता हूँ। देखो cos of 3 pi by 7 can be written as cos of pi minus 4 pi by 7। मैंने ऐसा क्यों किया वो भी समझाता हूँ। It is minus cos 4 pi by 7। अब minus इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि square है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया है, 4 क्यों बनाया है, क्योंकि देखो ये अल्फा है तो दिस इज 2 अल्फा, तो दिस इज 2 स्क्वायर अल्फा। नाउ रिमेंबर आई हैड गिवन यू अ फार्मूला cos ऑफ cos 2 अल्फा, ऐसे कर करके cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 अल्फा इज sin ऑफ 2 टू द पावर n अल्फा अपॉन 2 टू द पावर n sin अल्फा। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 2 टू द पावर एन। नाउ यहाँ एन माइनस वन, एन माइनस वन की वैल्यू 2 है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आएगा 2 का क्यूब इंटू पाई बाय 7 अपॉन 2 क्यूब इंटू साइन पाई बाय 7 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका सपोज मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं सो दैट आपको दिखाई दे ढंग से। दिस इज साइन 8 पाई बाय 7 अपॉन 8 साइन पाई बाय 7 का होल स्क्वायर। अगेन साइन 8 पाई बाय 7 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 7 दैट इज साइन पाई बाय 7। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 by 8 का होल स्क्वायर दैट इज 1 by 64। दैट इज योर आंसर। तो ध्यान से आराम से देखिए सर, कैन वी टेक 2 मिनट्स टू सिंक। हां आराम से करो, आराम से देखो, एक एक स्टेप देखो और सारे फॉर्मूलेस अप्लाई किए थोड़ा ध्यान से देखिए आराम।
सर जो आपने असाइनमेंट भेजी वो सॉल्व करनी है अभी? क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने असाइनमेंट भेजी वो अभी सॉल्व करनी है? ठीक स्टार्ट कर सकते हैं। आपको है सर। इसमें तीन असाइनमेंट कराने, एक मैंने आज दिया है, एक सैटरडे को दूंगा, और सैटरडे को मैं आपको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाना शुरू करूंगा। सो संडे आई विल गिव एन असाइनमेंट ऑन इक्वेशंस, एंड नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीकेंड वी शैल बी डन विद दिस एंटायर ट्रिग्नोमेट्री थिंग। अभी वी हैव वन मोर टॉप टू मोर टॉपिक्स टू गो। अभी एक तो हमें इक्वेशंस वाला पार्ट करना है पूरा, जो हमने अभी टच भी नहीं किया है, एंड लास्ट और इज कोसाइन सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। सीरीज, दिस साइन इज सीरीज भी। हाँ, वो सारा दिस इज फॉर प्योरली फॉर, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आता, स्कूल में नहीं आता। बाकी सारी चीजें तो थोड़ा बहुत स्कूल में आती है, इतना नहीं आता, बट हाँ थोड़ा बहुत तो आता ही है। बट हाँ ये तो स्कूल में आएगा ही नहीं, सप्लीमेंट्री मटेरियल में स्कूल में ये, बट वो पूछते नहीं है कोई। तो ये दो पार्ट्स हमें अभी करने हैं, तो एक इस वीकेंड हो जाएगा और एक नेक्स्ट वीकेंड तक, थर्सडे से नेक्स्ट वीकेंड तक कंप्लीट कर देंगे। इट टुक मी अबाउट टू क्लासेस इन द वीकडेज बैच, सो इट शुड टेक द सेम हियर आल्सो। Is that okay with everyone? जो चीजें आज करी हैं उन चीजों को आराम से थोड़ा सा आप रिवाइज करिए। These are not easy things. You know, it is, I wouldn't say कि एक बार में समझ आ जाना चाहिए। It takes time. So don't get flustered if you are not able to pick up right away. थोड़ा एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें आ जाएंगी आप। यस सर। घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें सीखने की कोशिश करिए, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, फिर अनेबल टू अंडरस्टैंड, फील फ्री टू आस्क। एक बार पूछो, 10 बार पूछो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं पूछोगे, बैठे रहोगे, बस ये सोचते रहोगे ठीक है मैं बाद में देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, वो बाद में कभी नहीं आता। ठीक है, अब आप लोग इसे कंप्लीट करो, बाकी सैटरडे को डिस्कस करेंगे। सैटरडे को नया टॉपिक, और अगर ये असाइनमेंट तब तक आप कर लेंगे तो इसके डाउट्स भी ले लेंगे, तो आई विल शेयर द सेकंड असाइनमेंट आल्सो। इज दैट ओके? ओके सर। यस सर।
थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।